की बाइट देना ये बेसिकली प्रीमियम लीग है। ये स्पोर्ट्स काउंसिल और कंसर्न जो गेम्स की एसोसिएशन हैं उनके दोनों के मिलके टूर्नामेंट हो रही है। इससे पहले स्पोर्ट्स काउंसिल ने कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी में प्रीमियम लीग करवाई है उनकी कंसर्न एसोसिएशन की कोलेबोरेशन के साथ। हमारी कबड्डी टूर्नामेंट जो थी वो कठुआ में हुई, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमने गुड़ा मुंडिया में करवाई और जो हॉकी टूर्नामेंट वो हीरानगर स्टेडियम में हुई। और ये उसका ये चौथी गेम जो है लास्ट वो फुटबॉल थी जो आज यहाँ पे जिसका आगाज़ हुआ है। और ये जे एंड के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और फुटबॉल एसोसिएशन की कोलेबोरेशन के साथ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल है या तहसील लेवल? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट्स हैं। इसमें यहाँ के जो टॉप 6 क्लब हैं फुटबॉल के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लीग टूर्नामेंट है और जो टीम यहाँ से चैम्पियन आएगी लीग में वो सेकंड फेज के लिए जम्मू खेलने जाएगी। जम्मू स्टेट लेवल पे खेलने जाएगी या फिर नेशनल? नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट, वो सभी डिस्ट्रिक्ट की एक एक टीम जम्मू में आएगी पार्टिसिपेशन के लिए। और उसके बाद जम्मू में 4 टीम जो हैं फर्स्ट 4 वो सिलेक्ट होंगी जो कश्मीर की 4 टीमों के साथ खेलेंगी। तो यहाँ की कुल कितनी टीमें हैं? 6 टीम्स। हाँ, वॉलीबॉल की 6 टीम थी, हॉकी की 4 टीम थी और कबड्डी की 6 टीम थी। सर ये युवा नशे की ओर हैं, उनको किस तरह का संदेश? ये सर हमारा मेन जो मोदी साहब का भी यही एक इसमें प्लान था कि अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का दिमाग में सिर्फ स्पोर्ट्स रहेगी, नशा या कोई गलत एक्टिविटी का वो बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम उनको अकेला खुला छोड़ देंगे तो आ जाके वो गलत सोसाइटी में जाएंगे, नशे की तरफ जाएंगे, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट होंगे। तो उससे सबसे जो बेस्ट वे जो है वो है स्पोर्ट्स। उसमें इनकी फिटनेस भी है, इनको आगे अच्छा स्कोप भी है खेलने का, इनमें अगर जो अच्छा खेलते हैं नेशनल्स खेलते हैं तो उनको नौकरी का भी स्कोप है। तो इसलिए यही एक अच्छा सोर्स है आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स ना कि नशा। सर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी भी काफ़ी सुविधाओं का अभाव है, कई तरह की अभी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन युवाओं में पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर भी कई चीज़ों को लेकर है अभी दिक्कतें युवाओं को, तो इस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स काउंसिल वो इस पर निरंतर लगा हुआ है। अभी भी आप देखिए कि काफ़ी जो हमारे पास हॉल थे, जूडो हॉल है या वेट लिफ्टिंग हॉल है, उसको पूरा रेनोवेट किया गया है। और आने वाले टाइम में हमारा ये है कि इसमें हम मिट्टी और डालें और अच्छे से घास लगाएं, क्योंकि इसमें लोड भी बहुत ज़्यादा है। कभी इसमें 26 जनवरी होती है, अभी आपने देखा पुलिस की टूर्नामेंट भी हुई, फिर SPO की भर्ती थी वो भी हुई, तो मोस्टली इस पर लोड रहता है। इसके अलावा अब हमारा जो स्पोर्ट्स काउंसिल का प्लान है वो अब हमने कठुआ में ही बिलावर में स्टेडियम बनाया, बुद्धि में स्टेडियम बनाया, बगियाल में स्टेडियम बनाया, बरवाल में स्टेडियम बनाया। हम चाहते हैं कि जो खिलाड़ी है उसको अपने इलाके में ही अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिले, ताकि उसको इतनी दूर आना ही ना पड़े और वो ये भी ना सोचे कि यार कठुआ कौन जाएगा खेलने, छोड़ो रहते हैं खेलते ही नहीं, तो उसको अपने घर के पास ही खेलने की सुविधा मिले ताकि वो वहाँ पर भी खेले।